एशियन गेम्स में ओपनिंग सेरेमनी में भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे इस बात का पता चल गया है। वैसे आपको बता दूं कि इस बार जो है एक नहीं दो दो ध्वजवाहक होंगे, तो वो कौन कौन हैं आज आपको ये बताऊंगा, लेकिन ये ज़रूर बता दूं कि दोनों ही ओलंपिक मेडलिस्ट हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। एशियन गेम्स 2023 जो कि हांगझू में होने जा रहा है और 23 सितंबर को उसका उद्घाटन समारोह होगा और उसमें ओपनिंग सेरेमनी में जो भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे वो दो होंगे, एक पुरुष और एक महिला। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह जो है वो ध्वजवाहक होंगे और साथ ही ओलंपिक मेडलिस्ट लोवलीना बोरगोहेन भी जो है वो ध्वजवाहक होंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें लोवलीना ने कांस्य पदक जीता था 69 किलोग्राम भार वर्ग में, अब वो 75 किलोग्राम भार वर्ग में मुक्केबाजी करती हैं और आपको ये बता दूं कि इसी में उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीता, तो ये बड़ी बात है। और इसके अलावा हरमनप्रीत सिंह की हम बात करें तो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं और जो 40 सालों बाद टोक्यो में भारत की हॉकी टीम ने मेडल जीता था, भले ही वो ब्रॉन्ज मेडल था, उस टीम का वो हिस्सा थे। आपको ये भी बता दूं कि जो 2018 जकार्ता में एशियन गेम्स हुआ था उस वक्त जो है नीरज चोपड़ा जो है वो भारतीय दल के ध्वजवाहक थे ओपनिंग सेरेमनी में, लेकिन इस बार जो है हरमनप्रीत सिंह और लोवलीना बोरगोहेन को ध्वजवाहक बनाया गया है। भारत ने एक बड़ा दल भेजा है, 655 एथलीट जो है इस बार एशियन गेम्स में हिस्सा ले रहे हैं। हांगझू में कुछ खेल स्पर्धाएं शुरू हो चुकी हैं। वॉलीबॉल में भारत ने एक बड़ा उलटफेर किया है और उसने साउथ कोरिया को वॉलीबॉल में पराजित कर दिया है और आपको बता दूं कि नॉकआउट दौर में भारत की वॉलीबॉल टीम ने, पुरुष टीम ने जगह बना ली है। तो एशियन गेम्स में कुछ स्पर्धाएं शुरू हो चुकी हैं लेकिन उसका जो विधिवत उद्घाटन है वो 23 सितंबर को होगा और उसमें जो भारतीय दल है उसके जो ध्वजवाहक होंगे वो होंगे भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और बॉक्सर लोवलीना बोरगोहेन। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।